महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा, ये देश के 6 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि इन राज्यों में रोजाना केस 1000 से ऊपर आ रहे हैं। पहले इस रेस में सिर्फ महाराष्ट्र और केरल थे, लेकिन अब इस लिस्ट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी शामिल हो गया है। इसके अलावा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आ रहे हैं। यहां रोजाना 2000 के ऊपर केस मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 19,100 नए केस आए, जबकि 18,499 मरीज ठीक हुए। आपको बता दें कि वहीं 35 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। बीते शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को नए केसों में 11% की गिरावट आई। शुक्रवार को 18,208 नए केस मिले थे और 32 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं शनिवार को बंगाल में 2000 से नीचे केस आए हो, लेकिन यहां एक्टिव केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस के मामले में बंगाल टॉप पर बना हुआ है। बंगाल में 25,396 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को यह आंकड़ा 26,727 था। वहीं केरल में एक्टिव केस धीरे धीरे घटने लगे हैं। शनिवार को इलाज करा रहे संक्रमितों का आंकड़ा 19,386 पर पहुंच गया। देखा जाए तो बंगाल के बाद केरल में सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है। इन राज्यों में असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, केरल और पश्चिम बंगाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।